हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो गाइस, आज है 26 जनवरी 2023, यानी कि आज गणतंत्र दिवस है, और आपको गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसेरा करती है, और प्रीत जहाँ की रीत है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी हाँ दोस्तों, आज वही पावन दिन है जो हमें अपने आज़ादी से मुक्त कराने में जिन्होंने अहम योगदान दिया है, और जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का भी मोह नहीं किया हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, और जिन्होंने अपने घर परिवार का मोह ना करके, अपने प्राणों का मोह ना करके हमारे भारतवर्ष को आज़ादी दिलाई। ऐसे ही योद्धा आज़ादी के, ऐसे ही क्रांतिकारी, और ऐसे ही शहीद और भारत माँ के वीर सपूत, उनका आज नमन करते हैं हम उनको, और उन्हीं के याद में आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और पहले हमारा देश गुलामी की जंजीरों में था, और 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अपनी एक कानून व्यवस्था बनी जो भारतीय संविधान के नाम से विख्यात है। तो आज रिपब्लिक डे हम उसी पर्व के रूप में मनाते हैं। ये रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं, ये आज़ादी हमें मिली है उन्हीं महावीरों के द्वारा। रिपब्लिक डे आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पावन है, और इस दिन को मनाने के लिए आज हम स्वतंत्र हैं, हमारी कानून व्यवस्था है, लेकिन इसके पीछे हमारे बहुत से भारत के क्रांतिकारी नेता, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जो आज़ाद हिंद फौज की जिन्होंने स्थापना करी, और हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, और शहीद भगत सिंह, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया, लेकिन गुलामी की जंजीरों में रहना स्वीकार नहीं किया। तो गाइज, हम भी आज रिपब्लिक डे के पवित्र और पावन अवसर पर आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, और हम भी आज रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करेंगे, आप भी सेलिब्रेट करें। तो हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए अब चलेंगे अपने ही गांव के एक स्कूल में, जहां हमारे जो कल के भविष्य हैं बच्चे, वो रिपब्लिक डे को बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और हमारे माधव पब्लिक स्कूल में ध्वजारोहण होगा, तिरंगा फहराया जाएगा, वहाँ पर मुख्य अतिथि हैं जो आए हुए हैं, और बच्चे गणतंत्र दिवस के पवित्र और पावन अवसर पर रैली निकालेंगे और जनपथ करेंगे, यानी कि गांव के चारों तरफ वो रैली निकालेंगे, और पैदल आप हाथ में तिरंगा लेके गांव के चारों तरफ वो रैली निकालेंगे स्वतंत्रता संग्राम के उपलक्ष में, और वो अपना बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों के रूप को और हमारे क्रांतिकारियों के वेश धारण करके, यानी कि फौजी भाइयों का रूप धारण करके, और कोई नेताजी का रूप धारण करके, और हमारी संस्कृति से जुड़ी बहुत सी यादों को ताज़ा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं माधव पब्लिक स्कूल में, जहां हमारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और वहां तिरंगा फहराया जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में अंत तक, बहुत आनंद आने वाला है आपको। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों के माधव पब्लिक स्कूल के पास। आप देख पा रहे हैं अब कुछ ही समय में यहाँ पर हमारा तिरंगा लहराया जाएगा, और उसके बाद बच्चों की परेड कराई जाएगी गाँव में, तो आपको दिखाया जाएगा, बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं थोड़े ही समय में हमारे जो माधव पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं उनके द्वारा रैली निकाली जाएगी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर, और हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे फौजी भाइयों के ड्रेस में, और उनके पीछे माधव पब्लिक स्कूल के बच्चों की बहुत बड़ी लाइन, और ढोल के साथ हमारे माधव पब्लिक स्कूल के बच्चे हमारे गांव समाधिपुर में रैली निकालेंगे, तो बने रहिएगा हमारे व्लॉग में अंत तक। तो गाइस, माधव पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा रैली स्टार्ट हो गई है, और देखो बहुत ही दिव्य, सुंदर और मनमोहक रैली माधव पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा निकाली जा रही है, भारत माँ के जय घोष के साथ, और भारत माँ के वीर सपूतों शहीदों की जय घोष के साथ बच्चे रैली स्टार्ट हो गई है इनकी।
तो गाइस देखा आपने कैसे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर स्वतंत्रता की याद में और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर गांव में रैली निकाली और बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम आपको दिखाए। किसी ने हमारी संस्कृति की यादों को ताज़ा किया, किसी ने हमारे फौजी भाइयों का रोल अदा किया, तो बहुत अच्छे तरीके से गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया। तो गाइज आप भी सेलिब्रेट करें, हम भी सेलिब्रेट करें, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आज़ादी का जश्न मनाएं, शहीदों को शीश नवाएं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग, लहू जिनका वतन के काम आता है, वो भारत माँ के वीर सपूत जिन्होंने आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया, अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी। आज हम उन्हें शीश नवाएं। तो गाइज इस व्लॉग में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।